अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक प्लेस है तारागा, बार्सिलोना से थोड़ा दूर, तो वहाँ पर एक मेरा दोस्त है, उनको भी विज़िट करना है। वहाँ पर भी कुछ प्लेसेस हैं जो देखने वाली हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं, आपको शेयर करेंगे। तो विल स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स गो। हम लोग इस टाइम तारागा में है, ये लईदा, ये उसका रामला है। यहाँ पे भी बारिश होके हटी है, ज़्यादा नहीं, बस लाइक थोड़ी सी ड्रिजलिंग वगैरह की। ये इसका सारा रामला, ये देखिए जी एक बिल्डिंग, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी क्या हिस्ट्री है। वेरी ओल्ड, आपको स्टोन पता चल रहे होंगे। ब्लैक एंड वाइट, मैं आपको इसकी ओरिजिनल तस्वीर दिखाता हूँ जो कभी पहले थी। Hola. Hola. Sí, sí. Hola, claro. Pues ya te caso, yo no tengo que ver que si le ponen un fin a lo que yo pago, pues sentiré un verde. ¿Usted qué año es este? Asun, ¿sabes el año de la foto aproximadamente? Y ये आप देख रहे होंगे, इसको उल्टा पढ़ना है, 1943 ये इसकी ओरिजिनल फोटो है। और इसके अंदर सारा फ्रूट मार्केट है यहाँ पे, और ये इसकी उस टाइम की मार्केट होगी अंदर जो सब अभी आपको मैं दिखाया था बाहर से, ये वाला हिस्सा। चलते हैं बाहर। ये जी देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर व्यू है इसका, छोटी छोटी गलियाँ साफ सुथरी से। पुराने घर हैं सारे, और आज तो उन्होंने चेंज करके उसको अंदर शॉप्स वगैरह क्रिएट कर ली हैं। लुक एट दिस, आप जी ये मेरे दोस्त हैं यहाँ पर भाई भट साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े पुराने दोस्त हैं, तो इनसे मिलने आए हुए थे इस इलाके में। मैंने कहा चले इनकी भी यहाँ पे इस वीडियो बना लें। यहाँ पे भी छुट्टी है एक्चुअली, आज सैटरडे भी है, लेकिन आपको बताया था जिस तरह कल रात को मैं जो वीडियो अपलोड की थी फेस्टा मजोर की, तो यहाँ पे भी वो तीन छुट्टियाँ हैं, तो यहाँ पे आप अभी खाली है, रात में यहाँ पर रश होंगे क्योंकि आज म्यूज़िक वगैरह होगा और प्रॉब्ली आतिशबाजी भी। जहाँ पे जी फेस्ता होता है, फेस्ता मतलब फेस्टिवल जो लगते हैं, अरेंज होते हैं, फेस्ता इसको बोला जाता है। ये देखिए ये इनका टावर है जिसमें ग्लेशिया होगा, ग्लेशिया मतलब चर्च, जहाँ पे इनकी बेल वगैरह बजती है टाइम टू टाइम आवर के बाद। ये कितना पुराना है जी, प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेंगे जहाँ पे कैफेटेरिया होंगे चाय कॉफ़ी पीने के, ये यहाँ पे हर जगह मिलेंगे आपको। दरवाजे देखें कितनी पुरानी हिस्ट्री इन चीज़ों की।
का प्लाजा आ गया। पर जी ये जिंदा मिलता है जी, ये जो ये फ्लैग वाले लटकाए हुए हैं किस चीज़ के? हाँ ओके, ये इसका पीछे वाला राइट कंपाना बोलते हैं, बेल लगी हुई है इसको यहाँ पे। ये है जी इंतमिन, तो अजिंतमिन कहते हैं म्यूनसिपल ऑफिस ना, जहाँ पे आपके उस कम्यूनि उस एरिए के उस रीजन के सारे लोगों की यहाँ जो इंदराज है, घरों की रजिस्ट्रेशन है, वो सारी यहाँ पे होती है। ये है जी इसका फ्रंट ग्लेशिया चर्च का। कितना ज़बरदस्त बैठने के सिस्टम सबके लिए। ये जो फ्लैग है कैटलोनिया के फ्लैग है, मतलब ये रीजनल फ्लैग है, स्पेन का नहीं है, रीजनल फ्लैग है ये। कैटलोनिया में ज़्यादा कतलान लोग रहते हैं और वो पसंद करते हैं ये फ्लैग को। आप वहाँ पे भी देख रहे होंगे म्यूनसिपल ऑफिस के सामने कैटलोनिया के फ्लैग लगे हुए। इसका मैं पूरा व्यू देखिए, सही हो जा इस ग्लेशियर की जो हिस्ट्री है इस चर्च की 1693 की इसकी ये कंस्ट्रक्शन है और आज 2022 चल रहा है, सो यू कैन इमेजिन कि कितना पुराना है ये। ये जिस हमारा अंदरून शहर नहीं है, ये तो बहुत साफ है। अंदरून शहर, दैट्स वेरी नाइस। प्रीमियर ऑफ द ऑनर ये सारा प्लाजा एंथोनी है, यहाँ पे भी आपको ये बार वगैरह सब नजर आएगा। बिब्लियोथेका सामने, बिब्लियोथेका मतलब यानी कि ये लाइब्रेरी है यहाँ की, ये आपको हर इलाके में मिलेगी, जहाँ जहाँ पे जो एरिया होगा वहाँ की लाइब्रेरी ज़रूर उसके साथ होगी। ये जी ओल्ड एज जो यहाँ पर मोमर लोगों की रेजिडेंसी है, ये है जी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, उनके क्या लेंगे बच्चे वगैरह उनको यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। 1740 में बना ये। ये जी तारागा का सिनेमा हाउस, यहाँ पे हर चीज़ ही मिलेगी, टाउन में हर चीज़ अवेलेबल है।
यहाँ पे हर कम्युनिटी का अपना हॉस्पिटल मिलेगा, पुलिस स्टेशन होगा, सिनेमा घर होंगे, फूड स्ट्रीट होगी, मतलब दोनों हर चीज़ रखी होती है, हर चीज़ कैटर करते हैं वो लोग ना ऐसा। इस तरफ हॉस्पिटल है इनका जी, और एक ग्राउंड है, मॉल है। अगेन हम रामला की तरफ आ गए हैं। अभी हम लोग इस टूर को यहाँ पे इख्तिताम करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।